भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। एटीडी लागू करो, लागू 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 करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। जी, मेरा नाम अविनाश और आज हम जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम के माध्यम से हम एक बार फिर से अपनी जो अपील है वो गवर्नमेंट के आगे हम एक बार फिर से रख रहे हैं कि हमारी एटीडी 2022 का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए, उसको एंड किया जाए। जो टीचर्स पिछले 8-10 साल से वेरी वेरी हार्ड जोन में जो काम कर रहे हैं उन सब के लिए इस उनके रिलीविंग ऑर्डर उनको इशू किया जाए, जो कि एटीडी फेस वन के तहत उनके जो ऑर्डर्स हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए। यही हमारी आज की मुख्य डिमांड है और यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मैं पाली मोहन गुप्ता, मैं जनरल लाइन टीचर फोरम की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द जो एटीडी 22 है उसकी लिस्ट को रिलीज़ किया जाए सेकंड वाली को, और हमें फर्स्ट फेज़ वालों को लीविंग ऑर्डर इशू किए जाए। क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम स्कूल्स को मजबूत और मतलब अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर एक टीचर ही मजबूत ना हो, डिप्रेस हो, तो वो टीचर कैसे, वो स्कूल कैसे अच्छा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके उनकी हरासमेंट बंद कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एंड के हुआ है कि इस तरह से इतनी फेयर, ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी थी और उसके अकॉर्डिंग ही वो लिस्ट भी आउट हुई। लिस्ट आउट हुई फर्स्ट फेज़ की तो सारे लोगों ने हमें मुबारकबाद दी और हमें कंग्रेट्स करके हमसे पार्टीज़ भी ली कि भाई आपकी ट्रांसफ़र हो गई, मगर उसमें एक शर्त रखी थी उन्होंने, एक प्रोवाइडेड लिखा था, जब तक सेकेंड फेज़ वालों की लिस्ट आउट नहीं होती तब तक हमको सेम स्कूल में स्टे करना। तो आज तक उनकी जो सेकेंड वाले थे उनकी लिंक भी ओपन हुए, उन्होंने फॉर्म भी भरे, पूरा प्रोसीजर उनका कंप्लीट है, और उसके बाद भी हमें मतलब अपने हमारे लीविंग ऑर्डर इशू नहीं हुए। हमने बहुत बार प्रोटेस्ट करा मगर उन्होंने इनडिफरेंट एटीट्यूड उनका आर पार कर दीजिए कि अगर उन्होंने ना करनी है ना करिए, करें, हाँ करनी है ट्रांसफ़र तो भी बताइए। ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है, कभी ना हाँ बोलना ना ना बोलना, उससे हमें हम स्केप्टिकल हैं कि हम क्या आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। हम तभी डिसाइड करेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जब हमारे यहाँ कोई एक आता है, कोई मैसेज उनकी तरफ से आता है, कुछ कन्वे होता है। हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि वो जम्मू में भी आइए, हमारी ग्रीवेंसी सुने, उन्हें रिड्रेस कीजिए, ताकि हम अपना, हम भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें ना किसी के आगे। अब वो कहते हैं कि हम मैं इसको समझ रहा हूँ, अगर समझते समझते 6 महीने हो गए तब तक उनकी रिटायरमेंट है, फिर तब थर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, वो उस मैटर को समझेंगे। समझते समझते तो हमारे टीचरों की समझ ही खराब हो जाएगी। हम क्या बच्चों को दे सकेंगे जो टीचर खुद ही डिप्रेस और खुद ही मतलब मेंटली अनस्टेबल रहेंगे। हम ही नहीं अनस्टेबल हैं, जिनके अगेंस्ट हम गए हैं वो भी स्केप्टिकल है कि हमारा क्या होगा, वो भी अच्छे से मतलब बच्चों को अपना दी बेस्ट नहीं दे रहे। हम अपना बच्चों को 100% देना चाहते हैं, हम तभी हम संडे को यहाँ पे आ रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे, वर्किंग डे पे हमारी बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, हम छुट्टी लेके प्रोटेस्ट कर सकते थे, मगर हम बच्चों को सफ़र नहीं करवाना चाहते क्योंकि हम देश के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, हम देश को कुछ करना देना चाहते हैं। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि टीचर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना काम कर रहे हैं। कभी आप किसी और डिपार्टमेंट का प्रोटेस्ट देखते हैं, वो बिजली काट देते, वो और कुछ काम करते कि ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा इनकन्वीनियंस फील होता। हम इनकन्वीनियंस फील नहीं करवा रहे हैं गवर्नमेंट को, इसका मतलब नहीं हम कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर हम बच्चों के लिए सिर्फ मतलब इसलिए करते हैं, यहाँ पे संडे को इसलिए इकट्ठे होते हैं, नहीं तो बहुत सारे टीचर ये भी बोलते हैं कि आप वर्किंग डे पे करिए, ताकि जब तक उनको ये नहीं लगेगा, हमारे हेड को, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ये नहीं लगेगा कि मतलब हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारा स्कूल सफ़र कर रहा है, तब तक उनको समझ नहीं आती। और हमें लगता कि हमें फिर ऐसे ही करना चाहिए, जब उनकी वो हिंदी में बोलते हैं ना शटा शाटियम समाचार है, जिसको जिस भाषा में समझ आता है उसी को उसी भाषा में समझाना पड़ता है फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तो अभी तक तो हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, जैसे हम टीचर हैं, हमारा जॉब है, उसी भाषा में समझा रहे हैं। अगर हाँ फिर हम उनकी भाषा में समझाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि टीचर किस हद तक जा सकता है। अगर वो बच्चों को टीच कर सकता है, वो किसी भी इंसान को टीच कर सकता है, बता सकता है कि हम टीचर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो आर पार करें, वो इनडिफरेंट एटीट्यूड नहीं अपनाएं, वो जो कहना है हमें
खुल के अगर वो ये भी कहते हैं कि पुराने वाले पीएस ने पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अच्छे से लिस्ट नहीं बनाई है, वो भी बोले तो वो अपने गलती खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, तो हम खुशी खुशी मान लेंगे चलो ठीक है उनकी खुद की गलती है तो उन्होंने खुद मानी है गलती। अगर हमें आप कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बोलते हैं कि विद इन 3 डेज आप ये पूरा करो, हम टीचर मास्टर विद इन 3 डेज ही वो करते हैं, चाहे हम कहाँ पर भी बैठे हों हम आते हैं वो काम पूरा करते हैं, फिर हम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ खड़े हैं और उनके साथ ही हमेशा रहेंगे और हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं आपके थ्रू। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उनके कहिए कि ये इंडिफरेंट एटीट्यूड छोड़ दें, हाँ या ना में जवाब दें, और अगर ना करते हैं उसके साथ रीज़न दें, हाँ करते हैं तो हम तो खुश हैं क्योंकि 95% जो टीचर है वो बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी है, जो 5% है जिन्होंने डिपार्टमेंट को हाईजैक किया है वही जाके गलत गलत वहाँ पे हमारे मतलब फैक्ट्स को फालसीफाई करते हैं और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते। हम चाहते हैं कि 95% टीचर आपके साथ हैं और हमारा सुने और हम आपके थ्रू उनके तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया।